प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अध्याय पढ़ रहे थे। इस अध्याय में हम लोगों ने हनी प्रतिवेदन फिलोडेल्फिया सम्मेलन और मिनो ब्रुक सम्मेलन प्रथम 1968 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मिनो ब्रुक सम्मेलन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। मिनो ब्रुक सम्मेलन द्वितीय जो है वो क्या है, सितंबर 1988 में आयोजित हुआ। और यह क्या है, जो मिनो ब्रुक सम्मेलन प्रथम जो 1968 में हुआ था उसके ठीक 20 साल बाद हुआ। मिनो ब्रुक क्या है, अमेरिका में एक जगह है, उसके आधार पर इसका क्या है नाम रखा गया है। और मिनो ब्रुक सम्मेलन जो द्वितीय है वो क्या है, उस समय के विश्व स्तर पर क्या है, मार्गरेट थेचर का जो स्टेट मिनिमाइजेशन है, जिसको हम राज्य संकुचनवाद कहते हैं, और बाजार का जो विस्तार है, बाजार की जो शक्तियां हैं वो क्या है, राज्य पर हावी हो रही थी। उस वक्त के दौर में क्या है, ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और उरुग्वे चक्र के रूप में क्या है, गैट जो है वो एक समझौता जो था उसको क्या है व्यवहारिक स्वरूप देने की क्या है कवायद चल रही थी। बाद में क्या गैट समझौता लागू भी हो गया था। और ये जो परिवर्तन चेंजेज हो रहे थे, इसका क्या है प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और प्रशासन जो है उसकी क्या नई संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका हो सकती है, उस पर क्या है जोर देना था और इसकी पता लगाना था कि क्या कुछ हो सकता है। तो मिनो ब्रुक सम्मेलन ने क्या है लोक प्रशासन के चार नए सिद्धांत सुझाए, जिनको हम क्या है 4D कहते हैं। यहाँ डी जो शब्द है, ये चारों जो शब्द हैं ये डी से शुरू होते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं वी नौकरशाहीकरण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डी ब्यूरोक्राइजेशन। इसका क्या मतलब है कि सरकारी कार्यों का एक हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है हम कहें उसको क्या है प्राइवेट सेक्टर जो है निजी क्षेत्र को क्या है दे दिया जाए, इसको कहते हैं वी नौकरशाहीकरण। यानी पहले क्या है सरकारी काम काज जो हैं या जो बहुत सारे काम जो हैं सरकार खुद करती थी, लगभग सभी कार्य क्या है सरकार के द्वारा किए जाते थे और सरकार में क्या है प्रशासन या नौकरशाही के द्वारा संपन्न किए जाते थे। तो मिनो ब्रुक सम्मेलन जो सेकंड है उसमें कहा गया कि कुछ जो हिस्सा है सरकार के कामकाज का वो क्या है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, तो इसको क्या कहते हैं डी ब्यूरोक्राइजेशन यानी वी नौकरशाहीकरण। प्रशासन न्यूनतम क्षेत्र में कार्य करेगा तो इससे क्या है उसकी क्या है प्रभावशीलता बढ़ेगी और जनता को क्या है कंपटीशन जब हो जाएगा, भाई जो सेक्टर क्या है जिस क्षेत्र में पहले प्रशासन काम कर रहा था, सरकार काम कर रही थी, वो क्या है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो एक तो क्या उस पर बोझ कम हो जाएगा, दूसरा प्राइवेट सेक्टर जब उस काम को करेगा तो उससे क्या है कंपटीशन होगा, भी सरकारी क्षेत्र भी उस मामले में पहले काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें काम करने की छूट दे दी, तो उससे क्या होगा कंपटीशन होगा और उससे क्या है जनता को फ़ायदा होगा और उसमें क्या सेवाओं का और गुणवत्ता का क्या होगा विस्तार होगा। तो ये क्या है ऐसा इसमें कहा गया कि वी नौकरशाहीकरण किया जाए। दूसरा जो है उसको कहते हैं वी केंद्रीकरण डी सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे भी डी शब्द आ रहा है DET, यहाँ पे डी ब्यूरोक्राइजेशन और यहाँ पे डी सेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है इस बात का कि इसमें क्या है जो कठोर कायदे कानून हैं उनका सरलीकरण किया जाए, पुराने जो दकियानुषी या इररेलीवेंस जो अभी कोई मतलब नहीं है ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं उनको क्या है रद्द किया जाए, और जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको भी क्या है पारदर्शी और क्या है जवाबदेह बनाया जाए, जिससे क्या है विकास की गति क्या है तीव्र हो सके और प्रशासन में क्या है सच्चरित्रता जो है एक इंटीग्रिटी जो है वो क्या है विकसित हो सके। तो और जो पावर्स हैं डिसीजन हैं लेने की वो क्या है नीचे तबके पर क्या है उसको भी क्या है स्थानांतरित किया जाए, तो इसको क्या है डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। तीसरा जो है उसको कहते हैं वी निवेशीकरण डी इन्वेस्टमेंट। यानी सरकार जो है
व्यापारिक, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रकृति के कार्यों को क्या है अपने आप से क्या है बाहर निकाल ले, और ये जो काम है कम्प्लीटली क्या है बाजार को सौंप दे, निजी क्षेत्रों को, व्यापारिक उद्यमों को, औद्योगिक घरानों को क्या है वो सौंप दे। अरुण सौरी कहते हैं कि उद्योग चलाना क्या है सरकार का काम नहीं है, सरकार के जो कार्य हैं वो लोक कल्याण से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्या है जो उद्योग धंधे हैं, व्यावसायिक व्यापारिक जो कार्य हैं वो क्या है सरकार क्या है प्राइवेट सेक्टर को दे दे। इसके पश्चात अगला जो कार्य आता है वो है वी सरकारीकरण, डी गवर्नमेंटेशन। यानी क्या मतलब है कि सत्ता और कार्य जो हैं वो क्या है इस प्रकार से हो कि लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है निजी क्षेत्र से अपने कार्य करवा सके, अर्थात क्या है सरकार क्या है अपने आप को क्या है कम से कम मतलब सरकारी क्षेत्र से क्या है मतलब जो काम है वो क्या सरकारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, तो उसको क्या है डी गवर्नमेंटेशन कहा गया। तो ये जो मुन्ना ब्रुक सम्मेलन सेकंड है उसमें क्या है सामाजिक समानता, मूल्योन्मुखी प्रशासन, जवाबदेहता, प्रशासनिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक प्रशासन, ऐसे विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। जो फर्स्ट मुन्ना ब्रुक सम्मेलन था उसमें ये मुख्य विषय थे, उस पर भी क्या इसमें चर्चा हुई, लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या थी अब ज़्यादा व्यापक थी और उन पर अपने समय को जो परिवर्तन हो रहा था राजनीतिक आर्थिक विचारधारा का उसका क्या प्रभाव पड़ा और लोक प्रशासन क्या एक प्रकार से नई करवट ले रहा था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या बोलबाला हो रहा था। परंपरागत लोक प्रशासन में क्या जो मितव्ययता और कार्यकुशलता को क्या है प्रशासन मान लिया गया था उसका क्या है मुन्ना ब्रुक प्रथम ने क्या है सामाजिक न्याय को क्या है प्रशासन का केंद्रीय मुद्दा बनाया, लेकिन मुन्ना ब्रुक सम्मेलन सेकंड ने क्या है कार्यकुशलता और मितव्ययता जो है उसको क्या है सामाजिक मूल्यों के साथ क्या है जोड़ा। मुन्ना ब्रुक सम्मेलन जो सेकंड है इसने क्या है लोक प्रशासन के नेतृत्व और नीति के जो पुराने मुद्दे हैं उसके साथ क्या है तकनीकी और आर्थिक परिवेश को भी जोड़ने का प्रयास किया, और इसमें सम्मेलन में जो भाग लेने विद्वान जो थे लेने वाले वो क्या है अलग अलग स्ट्रीम से थे और ज़्यादा परिपक्व भी थे, उम्रदराज भी थे, तो इस प्रकार से क्या है इससे में क्या है कुछ नई चीज़ें क्या है लोक प्रशासन में जुड़ी। इसके पश्चात जो कोलंबिस की हैं उन्होंने भी क्या लोक प्रशासन के तीन प्रतिलक्ष्य अर्थात जिनका वो विरोध करता है वो और तीन लक्ष्य उसके बारे में भी बताया गया है गोलम्बिस्की ने। प्रतिलक्ष्य का मतलब ये है कि इनका क्या है नवीन लोक प्रशासन विरोध करता है और लक्ष्य का मतलब नवीन लोक प्रशासन इनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रतिलक्ष्य जो बताए हैं गोलम्बिस्की ने वो हैं कि यह क्या है प्रत्यक्षवाद का विरोधी है, अर्थात निश्चयवादी नीति विरोधी मूल्य रहित प्रशासन की परिभाषा को अस्वीकृत करता है। यानी जो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है कि जो दिखता है उसी में विश्वास करता है उन चीज़ों का विरोधी है, बल्कि यह किसका समर्थन करता है निश्चयवादिता का, नीति विरोधी जो मूल्य रहित प्रशासन है उसको भी क्या है ये अस्वीकार करता है। यानी ये नीति का पक्ष लेता है, मूल्य का पक्ष लेता है, आशावाद का पक्ष लेता है, इन चीज़ों का ये पक्ष लेता है, जबकि निश्चयवाद का, नीति विरोधी विचारधारा का, मूल्य रहित प्रशासन का क्या है ये क्या है विरोध करता है, उसको अस्वीकृत करता है। इसको क्या है इन तीनों बातों को एक शब्द में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो ये क्या है प्रत्यक्षवाद का क्या है विरोधी है। और दूसरी बिंदु में क्या बताया गया किस चीज़ का विरोधी है वो नौकरशाही और पद सोपान जो संरचना है हायरार्की जो स्ट्रक्चर है उनका क्या है एक सीमा तक वो क्या है उसको क्या है अस्वीकार करता है। वैसे तो ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल खारिज तो कर ही नहीं सकते, परंतु वो क्या है उस पर ज़्यादा जोर ना तो उसको एक मतलब साधन के रूप में काम लो, उसको पर क्या है बिल्कुल उसी को सब कुछ मत मानो। तो इस प्रकार से क्या है इस चीज़ का भी ये विरोध करता है, तकनीक का भी क्या है ये विरोध करता है,
जिस तकनीक से क्या है, मूल्यों का क्या है, ह्रास हो। लक्ष्य भी हैं, गोलम्बिस्की ने नवीन लोक प्रशासन के 5 लक्ष्य बताए हैं। पहला है कि ये मानव जाति का अनंत विकास, क्योंकि उसमें क्या संपूर्ण बनने की क्षमता है, उसमें ये क्या विश्वास करता है कि जो पब्लिक है, मनुष्य जो है, उसको क्या है विकसित होने दो, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके हिसाब से क्या है उसको क्या है कुछ करने दो। सामाजिक परिवर्तन जो है उस पर जोर देता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मूल्यों पर जोर देता है, यह ग्राहक अभिमुख है, अर्थात जनता से पूछो कि उसे क्या, कब और कहाँ चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जनता उन्मुख है, पब्लिक ओरिएंटेड है, और जो करंट समस्याएं हैं उस पर क्या है अपना ज़्यादा ध्यान रखता है। सरोकार का मतलब उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता है, उससे संबंधित है। तो ये इस प्रकार से क्या है, गोलम्बिस्की ने 3 प्रतिलक्ष्य और 5 लक्ष्य बताए हैं। इसके पश्चात हम लोग अगले जो क्लास है, अगले पीरियड में हम, या अगले वीडियो में हम क्या है नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस कक्षा में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।